जीएस की तैयारी कैसे करी आपने? जीएस का सर एक्चुअली अब जो हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रैंडम आ रहे हैं। मतलब लोग अगर 50 में 25 भी लाते तो बहुत बड़ी बात है, मुझे ऐसा लगता है। और टारगेट रियलिस्टिक रखो, आपकी 50 में 40 नंबर नहीं आएंगे, बहुत मुश्किल होता है। आप 50 में 20-25 बहुत हैं आपके, तो उसके लिए आप बेसिक कर लीजिए। ऐसे कि मैंने जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री लोग लूसेंट से पढ़ते हैं, बहुत लेंदी है, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी बस 6th, 7th, 8th की, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करण से किए। प्रीवियस ईयर आप करने पड़ेंगे, लेकिन अभी आप रिसेंट के 5 ईयर्स करिए, बहुत है आपके लिए। और एनसीईआरटी क्यों पढ़ी मैंने, क्योंकि हिस्ट्री अगर आप स्टोरी के फॉर्म में पढ़ो तो वो ज़्यादा जल्दी याद होती, मुझे ऐसा लगता है। लूसेंट से आप याद कर ही नहीं पाओगे, कोई नहीं कर सकता, बहुत लेंदी दी हुई है। तो सेम ज्योग्राफी के साथ में, तो मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ी है एनसीईआरटी 6th, 7th, 8th बस। और उनके ही बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं एक दो, बहुत सारे क्वेश्चन किरण से लगाए हैं, उनको याद किया है, रिवाइज किया है। ये हो गई मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी। पॉलिटी मैंने लूसेंट से पढ़ी है, लूसेंट में पॉलिटी बहुत अच्छी दी हुई है, उसको आप पूरा कर लीजिए, हो भी जाएगी वो, तो वो वहाँ से पढ़ ली। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी लूसेंट से पढ़ ली। तो बेसिक इतना आपको करना पड़ेगा कि अगर जो सिंपल क्वेश्चन आए तो आप कर लो, और कॉन्फिडेंस रखो कि अगर जीएस में टफ क्वेश्चन आ रहा है, आप नहीं कर पा रहे, तो कोई नहीं कर पाएगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं कि करंट अफेयर्स बहुत आड़ आ रही है, हम पढ़ लेंगे पूरी। करंट अफेयर 10 नंबर की आनी है, ठीक है, आप कितना ही पढ़ लो 4, 5, 6 नंबर ही ला पाओगे उसमें, ठीक है। तो ज़्यादा उस पर फोकस मत करिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आउटपुट उतना है नहीं उसमें। इसकी वजह आप मैथ और इंग्लिश पढ़ लो, बेटर है वो। करंट अफेयर्स के लिए मैंने ये किया था, जीके टुडे की वेबसाइट है, आप प्री से बस 4-5 महीने पहले के डेली के वो 10 क्वेश्चन डालते हैं, 10 क्वेश्चन क्विज के फॉर्म में, बस आप वही करिए। लोग पीडीएफ पढ़ते हैं, पीडीएफ मैंने कभी नहीं पढ़ी, बहुत लेंदी लगती है मुझे, जितनी भी कोचिंग्स की होती है। आप मत पढ़िए, क्योंकि आप याद नहीं कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। आप वही पढ़ो जो आप याद कर रख पाओ, सीधी बात ये है। पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं,